अस्सलाम वालेकुम, मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने तमाम भाइयों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मेरी ये आज की वीडियो काफ़ी मुख्तसर होने वाली है और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने से आपका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक 30 बोर पिस्टल लाया हूँ जिसमें 7 गोलियाँ डलती हैं, मतलब 7 शॉट पिस्टल है। और इसके अलावा बर्स्ट और सिंगल दोनों मोड्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। यहाँ पर ये सिंगल हो जाता है और अंगूठे से दबाएँ तो बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इस पिस्टल, जो मेरे पास पिस्टल है, इसके अंदर से अभी तक मैंने एक गोली भी फायर नहीं की है, मतलब कि ये ब्रांड न्यू है। और इसकी जो प्राइस वैल्यू है ऑन द स्पॉट 12,000 रुपये है, ठीक है। मार्केट के अंदर इसको काफ़ी महंगा बेचा जाता है, मतलब कि काफ़ी लोग होते हैं जिनको, मतलब आप में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको इतनी डिटेल नहीं होती इनके बारे में कि असल में 30 बोर पिस्टल्स जो लोकल मेड हैं और ओरिजिनल हैं वो आते कितने के हैं। तो इस वजह से लोग आप लोगों को कुछ महंगे दामों पर बेच देते हैं, मतलब महंगी प्राइसेस पर इन पिस्टल्स को फरोख्त कर देते हैं, ठीक है। पर इसीलिए ख़ास मेरी जो आज इस वीडियो को बनाने की वजह है वो यही है कि आप लोगों को बता सकूं कि जो 30 बोर पिस्टल हैं 7 शॉटर, ठीक है, उनकी जो प्राइस रेंज है वो 8 से लेकर 12,000 रुपये तक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर कोई महंगा दे रहा है तो 14,000 रुपये तक है, ठीक है। और इससे ज़्यादा इनकी प्राइस रेंज बिल्कुल नहीं है, इससे ऊपर अगर आपको कोई भी पैसे कहता है तो वो फेक है, ठीक है। अदरवाइज़ उसने इसके अंदर जेन्युइन सामान डाला हुआ है तब वो महंगा बनता है, अदरवाइज़ कोई सूरत ऐसी नहीं है कि ये पिस्टल इतना महंगा फरोख्त किया जाए, ठीक है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 12,000 रुपये का पिस्टल है, बेशक इसके ऊपर जैसा मर्ज़ी डिज़ाइन आप कर लें, ठीक है। अगर इसके अंदर इसके ऊपर पेंट बहुत कोई महंगा हुआ हुआ है तो फिर ये 14,000 का हो सकता है, अदरवाइज़ इसके अंदर बैरल जेन्युइन है तो फिर ये थोड़ा महंगा हो सकता है, या इसके अंदर मैगजीन्स जेन्युइन डली हुई हैं, या इसके अंदर घोड़ा इसका जेन्युइन है, या कोई ऐसी चीज़ जेन्युइन है तो फिर ये थोड़ा महंगा फ़रोख्त किया जा सकता है। अदरवाइज़ अगर ये फुली लोकली मेड है और आपको कहीं पिन पैक 12 से 14,000 रुपये से ज़्यादा मिल रहा है तो वो बंदा जो है फेक है और वो बंदा आपको आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। तो इस बात से आप ज़रूर आगाह रहें और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की। और इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश होती है कि आपको कुछ ना कुछ अच्छी बात बता सकूँ जिससे आपका जो है भला हो जाए, मतलब आप लोग सही रहें और आप लोग अपनी एहतियात करें, ठीक है। क्योंकि ये सेफ़्टी पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं पिस्टल, तो इसीलिए जो है आपको कोशिश किया करें कि जेन्युइन पिस्टल लें, जेन्युइन चीज़ लें। जेन्युइन में ये होता है कि उनकी प्राइस हर बंदे को पता होती है क्योंकि वो फुली जेन्युइन होते हैं, तो फुली जेन्युइन की जिस हर बंदे को प्राइस पता होती है उसमें आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। ख़ासकर ये जो दरामेड रहते हैं इनमें आजकल काफ़ी जो सेलर्स हैं बेच रहे हैं जो इन वेपन्स को, वो काफ़ी फ्रॉड कर रहे हैं और लोगों से ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, ठीक है। तो आप भी एहतियात करें। और मेरी वीडियो इतनी सी थी और बस इस बटन के बारे में, अगर आप यहाँ पर करते हैं तो सिंगल हो जाएगा और पीछे करते हैं तो बर्स्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आगे पीछे बातें मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैंने आगे कॉपी तो रखी होती नहीं है, बस जो मेरे जहन में होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ और आप ये साइट भी देख लें, ठीक है। ये साइट इस पर फिटेड है और इसके बावजूद मुझे ये सिर्फ 12,000 का मिला है। इस कट का भी कोई जो है खासा मतलब नहीं होता है, सिर्फ़ एक नुमाइश के तौर पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ लोगों की बातें होती हैं, कुछ लोगों ने हमें अपने से बातें बनानी होती हैं तो फिर वो आपको महंगा चीज़ कह रहे होते हैं। तो अगर आप ऐसा कभी भी पिस्टल लेने जाएं, इस कोई और भी डिज़ाइन हो सकता है, इसमें 1700 तरह के डिज़ाइन हैं या 70,000 किस्म के डिज़ाइन होंगे, ठीक है, मार्केट के अंदर मौजूद। पर आप याद रखें जो 7 शॉटर है इसकी इतना ही प्राइस वैल्यू है, और अगर आप 14 शॉट लेने जाते हैं तो 14 शॉट की आपको जो है थोड़ी ज़्यादा प्राइस वैल्यू मिलेगी, वो तकरीबन आपको 10,000 रुपये से स्टार्टिंग में मिलेगा और आगे चलकर तकरीबन 16,000 तक भी जाता है, ठीक है, जो 14 शॉट होता है जिसमें 14 गोलियां डलती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, आपका होस्ट मलिक हमज़ा, अल्लाह हाफिज़।